दिल्ली 6:50 नहीं 7:30 की थी, 7:30 बजे दिखा रही है। हेलो जी, नए दिन में आपका स्वागत है। अब हम लोग फ्लाइट ले रहे हैं, इस ट्रिप में हम लोग बहुत सारी फ्लाइट्स लेने वाले हैं और बहुत सारे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से जाने वाले हैं। हमने अपना दिन चालू करा था वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 4 बजे उठते उठते हम लोग 4:45 बजे उठे और फिर 4:30 से 5:30 के बीच में हमने सारा लगेज ऑर्गेनाइज करा हमारा और फिर एयरपोर्ट आ गए, ब्रूम 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 निकले। एयरपोर्ट आने के बाद फ्लाइट ली बहुत नींदों में, फिर फ्लाइट टेक ऑफ हुई और उसके बाद जो सोए अब फ्रेश हो गया। आ गया हमारा डे 5 ऑफ काशी भ्रमण, भारत भ्रमण, काशी का भारत भ्रमण। यस, न्यू डे न्यू सिटी, न्यू डे न्यू सिटी, मोस्ट ऑफ द डेज में न्यू डे न्यू सिटी। कभी कभी दोपहर में भी शुरू होती है, ऐसी बात नहीं है। हेलो, डोमेस्टिक ट्रांसफर्स के लिए आगे। पहली बार जिंदगी में ऐसा होगा जब दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रांसफर फ्लाइट लेंगे। इस ट्रिप में हम लोगों ने एक 40 मिनट की फ्लाइट ली, उसको बीट करा एक और 40 मिनट की फ्लाइट से, अब उसको बीट करेंगे एक और 40 मिनट की फ्लाइट से। मतलब होती है एक घंटे की फ्लाइट होती है, बट इंडिगो हेड रूम लेके चलता है ना, डोमेस्टिक ट्रांसफर्स चलते हैं, लॉन्च में बैठते हैं। अब डोसा खाते हैं, If we find two cards, provided we find two cards. ये चटनी इसके साथ? मैं अपने लिए सांभर। ओके, हमने दो डोसे ले लिए, डोसे की लाइन लंबी थी। और यहाँ पे इडली जो दिख ही नहीं रही क्योंकि चटनियों में भरी हुई है, पोहा एंड देन कट फ्रूट्स, चौकोस कमाक्षी सर्विंग एंड सोया कीमा पाव। लास्ट फ्लाइट जो ली थी ना दिल्ली से, उसमें डोसा नहीं मिला था। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट फ्लाइट मिल रही थी, हमने ली नहीं। अच्छा, मुझे अतीत में जाके ये पता था कि भविष्य में एक ऐसी फ्लाइट होगी जिसमें मेरे को डोसा नहीं मिलेगा और फिर वर्तमान में आके मैं एक ऐसी डिसीजन लूँगा जिससे मेरे को डोसा खाने को मिल जाएगा। वाह, और मेरी भी फाइनली डोसे की क्रेविंग पूरी हुई, अब जाके डोसे की क्रेविंग इज डन। बड़ा रेयर होता है जब इंडिगो एयर डक्ट देता है, प्रीमियम वाली फीलिंग आ रही है। मैं खाना वाना फुल खा लिया, आई थिंक सुबह सुबह जब नाश्ता नहीं करा था ना, तो बड़े लेजी लेजी। कल रात को काफ़ी लेट केसरदा ढाबा खाया था तो भूख लग नहीं रही थी, सुबह तक भी नहीं लग रही थी। जब एयरपोर्ट मतलब टेक ऑफ करने से जस्ट पहले भूख लगनी शुरू हुई थी, बस उससे पहले तो एक पैसे का मन नहीं था कुछ खाने का। जब तक लैंड किए तब तक फुल ऑन भूख लगी। करेक्ट करेक्ट, चलो मस्त डोसा खा लिया फाइनली। आज के दिन की दूसरी फ्लाइट लेते हैं। व्हाइट सफारी से पहचान लिया मैंने। हाँ जी सोहन जी, इधर हाय बोलिए जरा कैमरा पे। हाय, ये है सोहन जी, ये हमारे साथ जोधपुर में रहेंगे, पूरा घुमाएंगे हमें अच्छी तरह। चलिए, खम्मागढ़ी फ्रॉम जोधपुर, खम्मागढ़ी। अभी अमृतसर से आ रहे हैं ना, तो ससरी अकाल से खम्मागढ़ी हो गया। अब खम्मागढ़ी सा पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। हाँ जी, ऑलमोस्ट कर ही लिया है, बट होटल जाके एक अलग ही बैग बना देंगे विंटर्स का। हाँ। और उसको छुएंगे नहीं टिल द एंड ऑफ ट्रिप, टिल द एंड ऑफ ट्रिप, टिल द एंड ऑफ ट्रिप। कुछ भी नहीं दिख रहा एकदम, अभी बहुत ज्यादा धूप हो गई है, एक्सट्रीम -16 डिग्री से +16 डिग्री पे आ गया। गर्लफ्रेंड चैट करके एक चीज मिलती है यहाँ पे, उसमें ना बहुत स्पाइसी होता है वो। बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसा बोलते हैं, वो चाट बंदा खाता है तो वो गर्लफ्रेंड टेस्ट लेती है, पर अब तो शादी हो गई तो गर्लफ्रेंड चाट खाने का कोई पॉइंट नहीं, सब लोग स्किप करेंगे वो। उनसे पूछ लो, चटनी का सारा जो सामान होता है ना, खटाई वटाई सब स्टफिंग के अंदर ही होती है, तो चटनी जोधपुर में किसी से मांग लो ना, लोग बुरा मान जाते हैं। खाना अच्छा नहीं है क्या? हाँ, चटनी खाना अच्छा नहीं है तो चटनी मांग रहे हैं, है ना?
चटनी के साथ में अगर शाम के टाइम ठेले पे अपन दाल के बड़े खाते ना सर्दी के टाइम, हाँ हाँ हाँ, उसके अंदर चटनी आती वो है। जैसे वो एक खाया था जोधपुर में पिछली बार, नरगिसी कोफ्ता करके होता है, हाँ, नरगिस कोफ्ता, उसके साथ चटनी मिलती है, उसके साथ में वो मीठापन चटनी मिलती है, हाँ हाँ वो मिलता है, वरना ये सब समोसा खाओगे कचौड़ी खिलाऊंगा मैं। नरगिसी कोफ्ता भी सुखाड़िया नहीं, वो शास्त्री सर्कल के आसपास ही है शायद, सर्कल के नहीं जालोरी गेट पे, जालोरी गेट पे, हाँ 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 जालोरी गेट पे आइसक्रीम करके उसके उनके चलता है ना, एक छोटा सा ठेला टाइप सा था। अच्छा ठीक है, वहां से चढ़ेंगे तो वो रहा उम्मीद भवन वहाँ पे, और वो रहा मेहरानगढ़। दैट्स नाइस। अच्छा ये बना रखा है, नाइस ठीक है। फिर साथ में नीचे भी घूमना है, ऊपर भी आप घूम सकते हैं। हाँ अभी तो हम लोग OCI जा रहे हैं, फिर शाम को ही आएंगे फिर। यस सर, सनसेट अच्छा से आता है। सनसेट तो हम लोग डेजर्ट में देखने का सोच रहे थे। हाँ सुबह सुबह सनसेट कितने बजे होता है सनसेट यहाँ पे आपके साथ में? ठंड तो मत बोलो, यहाँ पे गर्मी है एकदम, बहुत गर्मी है। पूल पूल चल रहा है? पूल नहीं, मतलब पूल का टेम्परेचर ठीक है, मतलब जा सकता बंदा? सर वो दिन में गर्म हो जाता है और टेम्परेचर। की किसके पास है? मेरे पास है, ये लो खोलो। हाँ हाँ आइए आइए, आ जाओ आ जाओ। कह रहे थे पूल साइड व्यू है, पूल हो रहा नीचे पूल। माइनस वन में आपको जाना पड़ेगा, उसके बाद में ओपन एरिया में ही है। और वो सामने क्या है टॉप ऊपर? और ये रूफ टॉप है मैम। कैफे है? नो सर, अभी ऑल पर काम चल रहा है ऊपर। अच्छा अच्छा, लोग हल्दी वल्दी करते हैं वहाँ पे? यस मैम। ओके यहाँ पे शादी हो रही है आज, बट हम लोगों का अभी ऑब्जेक्टिव है जोधपुर, बस आए हैं और जिनसे आपको हमने मिलवाया था अभी ब्लॉग में वही नीचे वेट कर रहे हैं। बस फ्रेश वगैरह होके चेंज ऑफ क्लोथ्स करके हम लोग जा रहे हैं OCI डेजर्ट, थार डेजर्ट, और नहीं OCI जा रहे हैं जो थार डेजर्ट का एक पार्ट है, और फिर वहाँ पे जाके डेजर्ट सफारी करेंगे और वापस आ जाएंगे और कुछ कुछ खाएंगे। अच्छा प्रॉपर्टी इज़ नाइस, यहाँ पे आराम से बैठ के बंदा, प्रॉपर्टी इज नाइस, यहाँ पे आराम से बैठ के बंदा चिल कर सकता है। करेक्ट right. और एयरपोर्ट से भी पास है, कल के लिए भी सही रहेगा, बिकॉज वी आर इन जोधपुर ओनली फॉर 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स, तीन बजे की फ्लाइट है, मोर देन 24 आवर्स। सनराइज जरूर देखेंगे यहीं पे ऊपर जाके, सुबह 7 o'clock we'll go ऊपर, ठीक है? हाँ ठीक है। नहीं तो उनको कुछ ऐसा चाय कॉफी टैग मंगा के ऐसे लाइट ब्रेकफास्ट सा कर लेंगे। ओके सनराइज देख लेंगे, ठीक है डन। चलो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद ब्रेकफास्ट? ब्रेकफास्ट तो ब्रेकफास्ट वहाँ पे जाके करेंगे ना, पूरा अच्छे से खाएंगे जब ब्रेकफास्ट। वो 9 बजे जाएंगे, उनको बोलेंगे 7 बजे, उस पर थोड़ा सा ला दो कुछ।